Good morning, everybody. In 12th class, you are the next unit is the surface chemistry, and today we have to discuss about the introductory part of the surface chemistry. The word is very clear, surface. So the understanding of the surface of the chemistry, that is known as the surface chemistry. Now, what do you mean by the surface? Every matter have its surface, but this surface are different to matter to the matter. So we have to study about the surface of particular substance, and then we can know about their characteristics. So surface of a substance play an important role. So far its own chemistry is concerned. और इस तरह से पृष्ठ सतह जो है वो हम इसको पृष्ठ सतह बोलते हैं. जैसे देखिए कि ये हमारी अपर सरफेस है, ये हमारा सब्सटेंस हुआ, इट इज अ पीस ऑफ द सब्सटेंस. ये हमारा कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ की ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम जो है वो पृष्ठ सतह के नाम से जानते हैं. ये हमारी सरफेस, और इसके अंदर जो भी कुछ है वो हमारे इनर सरफेस कहलाता है. देयर आर द सो मेनी लेयर्स, सो मेनी पार्टिकल्स लेयर्स में भी, एंड दीज आर द इनर सरफेस. ये इसके इनर सरफेस कहलाती है. तो अपर सरफेस जो होती है जिसे पृष्ठ सतह कहते हैं, ये पृष्ठ सतह जो है वो आंतरिक सतह से भिन्न होती है. इंटरनल लेयर से अपर लेयर जो होती है वो बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार करती है. ऐसा क्यों? तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा. मान लीजिए हमने ये पार्टिकल को या फिर शो किया है इसे कंपोनेंट को, ये हमारे अपर सरफेस के पार्टिकल है, और ठीक उसके नीचे इनके लोअर सरफेस के पार्टिकल्स आ जाएंगे. ठीक है, और ये जो लोअर सरफेस वाली जो स्थिति है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि अगर हम इस पर्टिकुलर इस पार्टिकल की अगर इसकी फिजिकल जो हमारी प्रेजेंस है उसको अगर देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये पार्टिकल जो है ना इससे अटैच है, इससे अटैच है ये. तो इनर लेयर का एवरी पार्टिकल अपनी लेफ्ट राइट अपर और जो लोअर सरफेस है उन सरफेस के कंपोनेंट से अटैच होता है, अर्थात इसको चारों तरफ से ये सराउंडेड होता है. लेकिन जब आप इस अपर सरफेस की बात करते हैं, तो अपर सरफेस जो है ये ओनली थ्री साइड पोर्शन. ये अब जैसे इसको आप देखिए, ये पार्टिकल सर, तो इस पार्टिकल पर आप स्टडी करें तो ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है. लेकिन इसकी जो एक साइड है, जो अपर साइड है, जो ओपन टू द एयर है, जो एक्सपोज हो रही है, ये एक्सपोज लेयर जो है उसमें अट्रैक्शन कम होगा. तो लोअर सरफेस बाउंडेड होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और अपर सरफेस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनर लेयर के कंपेयर में कम हो जाता है. तो ये एक डिफरेंस है हमारी इस अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बारे में. सो टू स्टडी द सरफेस ऑफ द सॉलिड लिक्विड कैन बी बाय द एडसॉर्प्शन एंड द कोलाइड्स. तो यहां हम ये देखते हैं कि जो हमारी सरफेस की जो स्टडी है, सरफेस के जो हमारा अध्ययन है कंप्लीटली, वो टोटली जो स्टडी है वो आपके सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है. लेकिन ये जो सॉलिड और लिक्विड है इनमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है. नंबर वन, अबाउट द एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन, और उसके साथ साथ में इसी एडसॉर्प्शन से आप आगे चल करके फिर इसको कोलाइड्स पढ़ेंगे. तो एडसॉर्प्शन जो है वो आपका हो गया अधिक
शोषण। तो अधिशोषण और अवशोषण ये दो फिनोमिनन है, इन दोनों फिनोमिनन के बारे में पहले आपको इनिशियल नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें, इसको हम बोलते हैं अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो ठोस पदार्थ द्रव गैस के संपर्क में जब रखा जाता है तो उसकी जो पृष्ठ सतह होती है ये अपनी ओपन एयर, जो हमारा ओपन एक्सपोज है, उस सरफेस के पार्टिकल से इसका अटैचमेंट होता है, अर्थात सीधा कॉन्टेक्ट होता है। देखिए ऊपर हमारी जो एयर्स हैं ये एयर पार्टिकल्स हैं सारे अपर सरफेस पे, तो इनका कॉन्टेक्ट जो है ना वो इनर लेयर से नहीं है, बल्कि सबसे पहले कॉन्टेक्ट किससे होगा, इनका अपर सरफेस से होगा। तो जो हमारी सबसे ऊपरी सतह है, पृष्ठ सतह जिसे हम बोल रहे हैं, उसके संपर्क में कोई गैस पार्टिकल, जैसे मान लीजिए ये हमारा गैस है, ये गैसेस पार्टिकल्स है एयर के, ठीक है, ये थ्रू द एयर है, एयर में डिफरेंट गैसेस होती हैं और गैसों के पार्टिकल का मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस मूवमेंट का सबसे पहले कॉन्टेक्ट किससे हुआ, अपर सरफेस से हुआ। तो अपर सरफेस से जब ये कॉन्टेक्ट होता है तो उसको हम बोल देते हैं अधिशोषण। तो कॉन्टेक्ट इन बिटवीन द आउटर एटमोस्फियर एंड द अपर सरफेस ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज नोन एज द एडसॉर्प्शन। तो ये जो संपर्क है, इस संपर्क को ही यहाँ पे एडसॉर्प्शन कहा गया है। अब ये एडसॉर्प्शन किसके बीच में, एक पार्टिकल हमारा ये सॉलिड का, ये मान लीजिए हमारा सॉलिड स्टेट है और ये गैसेस के बाद ये हमारा गैस का पार्टिकल है। तो गैस और सॉलिड के बीच की स्थिति बन गई है, तो इन दोनों के बीच में जो है वो मूवमेंट हो रहा है। अब देखिए अपर सरफेस जो है वो अपनी लोअर सरफेस की तुलना में कुछ फ्री है, वो स्वतंत्र है, और जो गैसेस पार्टिकल है वो तो पूरे के पूरे ही स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह से दोनों अवस्थाओं के बीच में कुछ मात्रा में आकर्षित कुछ मात्रा में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो पृष्ठ सतह पर गैस द्रव के कण अधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। तो आप देखिए ये क्या होगा कि ये जो हमारी अपर सरफेस है ये अधिक से अधिक जो गैसेस पार्टिकल हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तो इनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इस पृष्ठ सतह पर एक्यूमुलेशन होगा। इससे इस कॉन्टेंट को हम इस तरह से बता सकते हैं, जैसे ये हमारी सब्सटेंस की जो अपर सरफेस है और ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये हमारे मेटल में कौन से हैं, ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं, तो ये गैस पार्टिकल, ये हमारे गैस पार्टिकल है, ये हमारी सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस है। तो अब इनका एक्यूमुलेशन हो गया, पहले ये सभी पार्टिकल का फ्री थे, ये फ्री स्टेज में थे, लेकिन सब आकर के अपर सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये जो एक्यूमुलेशन या एकत्रीकरण ठोस पदार्थ की सतह पर गैस के कणों का होना, यही हमारा अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। तो अधिक मात्रा में संचित होना और अधिक मात्रा में क्या कहते हैं एक्यूमुलेट होना, तो ये जो गैस पार्टिकल का एक्यूमुलेशन है कहाँ पे है, अपर सरफेस पे। तो ये जो एक्यूमुलेशन होता है यही हमारा अधिशोषण या एडसॉर्प्शन कहलाता है। हम ये कहेंगे कि एडसॉर्प्शन में दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया हमारा सरफेस ऑफ द सब्सटेंस और दूसरा हो गया हमारा गैस पार्टिकल। इन दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एक तो कहलाता है आपका एडसॉर्बेंट, ठीक है, एडसॉर्बेंट अधिशोषक इसको हम बोलते हैं। इस एडसॉर्बेंट को हम जो है वो अधिशोषण के नाम से जानते हैं। तो ठोस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है,
तो ये जो है ये कहलाएगा आपका एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट जो है वो हमारा कौन होगा, सॉलिड स्टेट, और ये सॉलिड सरफेस जो हमारा ये एडजॉर्बेंट के नाम से जानी जाएगी, इसको कहते हैं अधिशोषक और अधिशोष्य, इसको कहते हैं एडजॉर्बेंट। ये एडजॉर्बेंट कहलाता है। ये कौन होंगे, ये हमारे होंगे गैसेस पार्टिकल, आइदर गैस और लिक्विड। तो गैस या लिक्विड की जो पार्टिकल हैं, जो पदार्थ के पृष्ठ सतह से संपर्कित है, ये संपर्कित जो गैस पार्टिकल्स हैं इनको हम आपके एडजॉर्बेंट के नाम से जानेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिशोष्य। तो एक तो हो गया अधिशोषक, जो अधिशोषण को बढ़ाने वाला करने वाला होता है, और एक होगा अधिशोष्य, वह पदार्थ जो उस सरफेस पर, जो पृष्ठ सतह पर एकत्रित होते हैं, एक्युमुलेट होते हैं, संचित होते हैं, ये अधिशोष्य कहलाते हैं। तो ये जो कंप्लीट फिनोमिनन जो हमारा एडजॉर्प्शन है, ये दो पार्ट में इसको आप समझा सकते हैं कि एडजॉर्प्शन जो है वो एडजॉर्बेंट पे होता है, इसका होता है एडजॉर्बेंट का। तो अधिशोष्य का अधिशोषक पर एक्युमुलेट होना ही अधिशोषण कहलाता है। तो ये जो फिनोमिनन है ना, ये सरफेस का है, ये पदार्थ की केवल जो पृष्ठ सतह होती है ये उसी के लिए है, इसका आंतरिक सतहों पर या जो इनर सरफेसेस हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये अधिशोषक के बारे में। अब आ जाते हैं हम अंतर पृष्ठ पर। जो अंतरापृष्ठ है ठोस की सतह पर जिसमें अधिशोषण सकेंद्रित हो, इसको हम अंतरापृष्ठ के नाम से जानते हैं। तो इंट्रा सरफेस ऑफ द सॉलिड, जहां पर एडजॉर्बेंट का एक्युमुलेशन होता है, अधिशोषण होता है, सकेंद्रित होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अंतरापृष्ठ। और सक्रिय बिंदु ठोस की पृष्ठ सतह पर, वे स्थान यहाँ पे मुक्त संयोजकता हो। अब यहाँ पे देखिए इनके बीच में अट्रैक्शन कब डेवलप होगा, ये एक दूसरा फिनोमिनन है, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं फ्री वैलेंसीज। तो ये जो फ्री वैलेंसीज है ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये हमारा सॉलिड प्रोवाइड करेगा। तो सॉलिड के अंदर जो ना फ्री वैलेंसीज या मुक्त संयोजकताएं होती है, और ये मुक्त संयोजकता वाला जो हिस्सा है ये ही एब्जॉर्बेंट को अर्थात अधिशोष्य को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो आकर्षण जो है वो फ्री वैलेंसीज के द्वारा होता है, गैस या लिक्विड पार्टिकल का। अब ये जो मुक्त, ये जो आपके मुक्त संयोजकताएं हैं जिनको हम फ्री वैलेंसीज कहते हैं, ये पदार्थ की पृष्ठ सतह पे ही मिल सकती है। निचली जो हमारी इनर लेयर है इन पे फ्री वैलेंसीज नहीं मिल रही है, क्यों, क्योंकि ये अपने फ्री वैलेंसीज का उपयोग जो है वो अपने जो आपके लेफ्ट राइट अपर आपके सराउंडिंग जो पार्टिकल्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट करने में इन्होंने अपना फ्री वैलेंसीज को स्पेंड कर दिया है, जैसे यूं मान लिया। तो फ्री वैलेंसीज किसके पास रहेगी, केवल अपर सरफेस में रहेगी। तो अपर सरफेस की जो फ्री वैलेंसीज है ये ही अधिशोषण का मुख्य कारण है अर्थात आकर्षण। तो इनको हम एक्टिव स्पेस या सक्रिय केंद्र, ये सक्रिय केंद्र बन जाते हैं, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एक्टिव स्पेस। ये एक्टिव स्पेस कौन प्रोवाइड करेगा, उस सब्सटेंस में फ्री वैलेंसीज करेगी। अब फ्री वैलेंसीज होती क्या है, इसको आप और जरा ठीक से समझ लीजिए। देखिए जब हम किसी पदार्थ की केमिकल बाउंडिंग स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब ये जो भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है ये उस मॉलिक्यूल, उस एटम की, उस मॉलिक्यूल में जो एटम है उस एटम की जो केमिकल बॉन्डिंग है ये उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है।
तो वैलेंस शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, या तो वायलेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, या क्या होगा कि वो या तो शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो साझा करना या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से केमिकल बॉन्ड जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से बने। अब उस वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, और ये तो हो गया हमारा एक्चुअल केमिकल बॉन्ड, और जो शेष इलेक्ट्रॉन है यही हमारे एक्टिव स्पेस कहलाएंगे, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनने के बाद में उस एटम के संयोजक कक्ष में वैलेंस शेल में जितने भी शेष इलेक्ट्रॉन हैं ये फ्री वैलेंसी का निर्माण करते हैं। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये ज्यादा फ्री वैलेंसी कहाँ पाई जाएगी, बी ब्लॉक में, आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में, क्योंकि उसमें जो है वो वैलेंस शेल जो होता है वो दो डिफरेंट एनर्जी लेवल से मिलकर बनता है, जैसे आपका 3D और 4s। तो 3D के इलेक्ट्रॉन 4s के इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के फ्री वैलेंस बनाएंगे, और बी में आप जानते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन रासायनिक बंध 10 तो बना नहीं सकता, ठीक है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मोस्टली ये एलिमेंट क्या करते हैं कि अपने s कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में उपयोग कर लेते हैं, और जो बी में जो 1 से लेकर 10 तक की संख्या में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं इलेक्ट्रॉन का उपयोग जो है ये इस फ्री वैलेंसी में करते हैं। यही कारण है कि अगर हमें सरफेस केमिस्ट्री की स्टडी करनी है तो हम जो है वो बी ब्लॉक एलिमेंट का एग्जांपल लेना ज्यादा उचित मानेंगे, क्योंकि वहीं पर इस अधिशोषण को आसानी से समझा जा सकता है। तो ये फ्री वैलेंसी कंसेप्ट, ये फ्री वैलेंसी कंसेप्ट जो है यही हमारे इस अधिशोषण का एक मुख्य कारक बन जाता है, मेन रीजन ये बनेगा। अब देखिए इसके बाद में कि ये जो अधिशोषण है वो दो प्रकार से पढ़ा जाएगा, अधिशोषण दी टू काइंड्स, एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी एडजॉर्प्शन है इसका मतलब आप समझिए, अधिशोषण दो प्रकार से है कि पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि वो पदार्थ जो भिन्न भिन्न प्रकार के गैस मॉलिक्यूल को, गैस पार्टिकल को अपनी तरफ आकर्षित कर दे, तो ये जो एक्युमुलेशन है जो एकत्रीकरण पर सतह पे गैसेस का हो रहा है ये अगर अधिक संख्या में है, और अधिक संख्या इस पर डिपेंड करेगी फ्री वैलेंसी से, तो जितनी ज्यादा मुक्त संयोजकता होगी उतने उसके एक्टिव स्पेस बनेंगे, और जितने ज्यादा एक्टिव स्पेस होंगे तो उसी तरह से आपके गैस पार्टिकल का अधिक से अधिक संख्या में इस पृष्ठ सतह पर अभिशोषण होगा। तो इसको तो हम कहेंगे धनात्मक, या हमारा कला का धनात्मक अधिशोषण, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। तो अधिकतम अधिशोषण की मात्रा पृष्ठ सतह पर हो, ये पॉजिटिव होता है। दूसरा देखिए नेगेटिव अधिशोषण। अब कुछ पदार्थों में फ्री वैलेंसी नाम मात्र की अर्थात बहुत ही कम संख्या में होती है, तो जब मुक्त संयोजकों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है तो एक्युमुलेशन ऑफ द गैस पार्टिकल जो है वो पर सतह पर कम संख्या में अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब एक्युमुलेशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो तो उस स्थिति में उसको नेगेटिव एडजॉर्प्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन ये आपको उसमें बताया गया है, और अधिकतम अधिशोषण की मात्रा जो है वो पर सतह पर होती है तो पॉजिटिव, और मात्रा न्यूनतम हो जाती है तो नेगेटिव। तो और ये दोनों ही फिनोमिनन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, उस पदार्थ की जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उनकी जो फ्री वैलेंसीज है, उनकी जो एक्टिव स्पेस है, ये उसी पे डिपेंड करती है। तो ये सरफेस केमिस्ट्री में अधिशोषण, आपके अधिशोषण दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक।
अब जैसे देखिए आपके इसमें हाइड्रोजन का पैलेडियम के साथ में H2 जो है वो पैलेडियम हमारा सॉलिड हो गया, पैलेडियम इज सॉलिड और S2 जो है वो गैस हो गई। तो पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण हुआ है, इसको ऐसे बोला जाए, ठीक है। इसी तरह से ब्रोमीन है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये चारकोल के ऊपर अधिशोषित होते हैं। ये कुछ अलग अलग गैसें हैं, मतलब इसमें गैसों की अलग अलग क्वांटिटी है। जैसे देखिए H2, Cl2, SO2, ये सारे हमारे गैसेस हैं और ये सभी गैसेस जो हैं वो इस सब्सटेंस के ऊपर पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं। और इसमें जो चारकोल है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चारकोल, तो चारकोल जो होता है ये एक केमिकल सब्सटेंस हुआ जो कार्बन प्रिंट है और इस चारकोल पर एक गैसेस का अधिशोषण होता है। आपने सुना होगा कि जब हम अपने फ्रीज को बंद करते हैं कुछ समय के लिए, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप क्या करेंगे, फ्रीज को बंद करेंगे। तो बंद करने पर अथवा उसको अगर ऑन भी रखते हैं तब भी उसके अंदर जितने भी गैसेस इवॉल्व होती है उन गैसेस को अधिशोषण करने के लिए हम एक चारकोल का टुकड़ा, एक कोयले का टुकड़ा उस पर बीन कर रख देते हैं, लकड़ी के कोयले का। तो लकड़ी के कोयला जो है वो एक चारकोल का काम है। वो चारकोल क्या करेगा कि इस बीज में जितने भी हमारे फूड मटेरियल्स हैं उनसे जो बाहर निकलने वाली गैसेस होती है उस गैसेस का वो अधिशोषण कर लेता है। ये अधिशोषण को समझने का एक बड़ा ही सरल माध्यम है। तो ये अधिशोषण, अब आप आते हैं सॉर्प्शन के बारे में। अधिशोषण से आगे बढ़ते हैं हम और अब हम आ जाते हैं सॉर्प्शन। ये फिनोमिनन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम सॉर्प्शन बोलेंगे और हिंदी में इसको बोला जाता है विशोषण। हिंदी में इसको बोलते हैं हम विशोषण। तो ये विशोषण क्या है, ये एडमिशन का जिस अपोजिट है विशोषण, अधिशोषण और विशोषण ये दोनों बात करते हैं। एक तो हम बोलेंगे अधिशोषण और एक हो जाएगा आपका ये विशोषण। तो अधिशोषण और विशोषण ये एक दूसरे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। तो विशोषण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने पहले हाइड्रोजन गैस को आपने पैलेडियम पर अधिशोषित करवाया और अधिशोषण कराने के बाद अब क्या होता है कि पैलेडियम वापस से हाइड्रोजन को मुक्त करेगा। तो मुक्त करेगा तो इसका मतलब हो गया कि ये अपोजिट टू अधिशोषण, अधिशोषण में बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया हो गई। तो विशोषण जो होता है ये इन गैसेस पार्टिकल को उन्हें वापस अपनी पृष्ठ से रिलीव कर देता है, मुक्त कर देता है। और ये मुक्त करना ही वास्तव में बन जाएगा विशोषण। तो विशोषण जो होता है ये अधिशोषण से बिल्कुल अपोजिट होता है और ये दोनों प्रक्रियाएं लगातार होती रहती है। अर्थात कोई केमिकल सब्सटेंस एक समय में अधिशोषण भी करता है तो दूसरे समय में विशोषण भी कर लेता है। और एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन ये दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट नेचर में होते हैं। तो ये अधिशोषण और विशोषण। और अब बात आती है आगे अधिशोषण और अवशोषण। अब देखिए एक एब्जॉर्प्शन है और एक एब्जॉर्प्शन है, इन दोनों के बीच में क्या स्थिति है। हमारे पास में दो वर्ड है, एक तो है एब्जॉर्प्शन और दूसरा हो गया एब्जॉर्प्शन। ये दो वर्ड होते हैं, इन दोनों में है लेकिन इसके लिए भी कोई खास अंतर नहीं है, यहाँ पे केवल बी और यहाँ पे केवल बी है। तो ये एब्जॉर्प्शन है वो तो हमारा कहलाएगा अधिशोषण,
जो हमने अभी पढ़ा था। अब बात आती है कि एब्जॉर्प्शन, इसको हम बोल देते हैं हिंदी में अवशोषण, अवशोषण। तो एब्जॉर्प्शन और अवशोषण में अंतर क्या है? अगर कि कोई पदार्थ किसी गैस पार्टिकल का या हमारे लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनका अगर वो अधिशोषण करता है तो अधिशोषण होने के बाद ही अवशोषण की प्रक्रिया शुरू होती है, और ये कुछ पदार्थों में होती है। और ये पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है कि गैस पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल जितने आकार में कम होंगे तो उनका उतना ही अधिक संख्या में अधिशोषण होगा। अब यही अधिशोषण अगर आंतरिक सरफेस पे हो जाए तो शुरुआत तो काम ही अधिशोषण से, तो अधिशोषण अगर इनर सरफेस में आ जाता है अर्थात गैस जो है वो हमारे इंटरनल लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वहां तक जब वो पहुंच जाती है आकर्षण बलों के द्वारा, फ्री वैलेंसेस के द्वारा, तो उस प्रक्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। एक तरह से डीप एब्जॉर्प्शन ही, ठीक है, डीप एब्जॉर्प्शन ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। कि अधिशोषण जब गहराई तक हो, अधिक गहराई तक हो, इनर सर आपके जो लेयर्स पे हो, तो उस स्थिति में हम उसको बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन अर्थात अधिशोषण। तो ये अधिशोषण जो है वो सिलिका द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण होता है। ठीक है, एक सिलिका जेल को अगर आप रखते हैं तो जलवाष्प जो होती है ना वो उसके ऊपर सतह पर साथ साथ होती है और वो आपका बन जाता है अधिशोषण। और भंजक का कपड़े पर अधिशोषण होता है। जो डाइंग प्रोसेस है, जैसे हम किसी कपड़े को कलरिंग करना चाहते हैं तो जो रंग होता है, कलर होता है, वो उस कपड़े की जो इनर्स लेयर है काफ़ी डेप्थ तक, काफ़ी गहराई तक चला जाता है, तो ये जो डाई करना ये वास्तव में कहलाएगा अवशोषण। और सिलिका जेल के द्वारा वो एक प्रक्रिया बन जाएगी अधिशोषण। तो अवशोषण और अधिशोषण क्या है ये आपको बताया। नेक्स्ट के बारे में अगले वीडियो टॉपिक में इसको पढ़ेंगे।